हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हिमांश में। आज हम किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेके आए, जो आपके 9, 10th और 11, 12th सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 40 नंबर का है क्वेश्चन, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों को करना होगा। इसमें देखिए, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल के प्रश्न सम्मिलित हैं। तो चलिए इस सेट को करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 40 नंबर भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि 40 नंबर सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इसे अच्छे से कवर करेंगे। आज हमारा सेट नंबर 1 है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता का काम करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? हृदय, रिबकेज, मेरुरज्जु या मांसपेशियां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, मेरुरज्जु। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसमें क्या है? तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो राइट आंसर इज सेकेंड, कर्नाटक। कर्नाटक क्या है? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, कोइनोजोआ या पाइपियंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाजोआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, हिंद महासागर और जावा सागर को, अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को, या आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को? तो राइट आंसर इज आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। कौन जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था आपका 28 अगस्त 2014 में। ओके, इसकी किसने इसको शुरुआत किया था? इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका किया गया था। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 पुरुष या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 6 दिन में, 10 दिन में, 16 दिन में या 15 दिन में? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, 6 दिन में। हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पर इसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सेवन नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का सेकंड, 56। एट नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 156 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पारस और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटे में वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4।
11 नंबर क्वेश्चन है, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायस राय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कर्जन? तो राइट आंसर इज थर्ड, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग क्या थे? वॉयस राय थे उस टाइम के। देखिए जो लॉर्ड हार्डिंग का टाइमिंग क्या था इनका, 1910 से 1916, कब से कब तक था? 1910 से 1916 तक का। लॉर्ड डफरिन इनका टाइमिंग पीरियड था 1984 से 1988 तक। लॉर्ड इरविन इनका टाइमिंग पीरियड था 1926 से 1931 तक। एंड लॉर्ड कर्जन का तो इनका था 1899 से 905 तक, यानी 1905 तक। ये आपको चारों के ही टाइम पीरियड आपको ध्यान रखने हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? कैपटाउन, ब्लूमफॉन्टेन, प्रिटोरिया या डरबन? तो राइट आंसर इज थर्ड, प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन का, एथिलीन का, क्रिप्टॉन का या अमोनिया का? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, एथिलीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? सॉरी, गोदावरी ब्रिज, पंबन ब्रिज, हावड़ा ब्रिज या बोगीबिल ब्रिज? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, पंबन ब्रिज। 15 दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य, बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान या जल्दा पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा, अल्बिरुनी के द्वारा, थॉमस गोल्ड के द्वारा या डॉक्टर एलन संदेश के द्वारा? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? किससे संबंधित है? बारदोली से। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरविंदो घोष, महावीर या गुरु नानक? 17 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें एक्स के स्थान पर आ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का 20। 19 नंबर है, चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च एवं न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये एवरेज दिखा दिया गया है इसमें। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11:23, यानी 11:23 हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए आवयों में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 20। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा आपका 20। 21 नंबर है,
दिए गए वैन आरेख से उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, गुजरात, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड पंजाब। पंजाब किससे जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, यानी सेकंड का क्या हो गया, देखिए ए गुजरात, पंजाब और राजस्थान तीनों ही किससे जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, एमीटर का, फ्लेक्समीटर का, पायरोमीटर या बॉलोमीटर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने या डचों ने। तो 25 का क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा पुर्तगालियों ने। और उसमें किसने खोज की थी, वास्को डिगामा ने खोज की थी, कब की थी, 1498 में, कब की थी, 1498 में की थी। 26 नंबर है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे, तो फोर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4395। ट्वेंटी सेवन नंबर है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छानुसार, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10-15% या लोकसभा के कुल सदस्यों का 50%। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। नेक्स्ट, भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, ठाणे मुंबई, वडोदरा गुजरात, वाराणसी उत्तर प्रदेश, राउरकेला ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का सेकंड, वडोदरा गुजरात। नेक्स्ट है, भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, गलत है। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, गलत, ये भी है। यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था, यह भी गलत है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, सनफ्लावर गैलेक्सी, एड्रोमेडा गैलेक्सी, पिनव्हील गैलेक्सी या ड्वार्फ गैलेक्सी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ण क्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं, बैंगनी और लाल, पीला और नारंगी, नीला और हरा, लाल और नारंगी। तो राइट आंसर इज 31 का हो जाएगा बैंगनी और लाल, कौन सा हो जाएगा, बैंगनी और लाल हो जाएगा। 32 नंबर है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पाई, खरोष्ठी, देवनागरी या ब्राह्मी। तो राइट आंसर इज थर्ड, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे,
गणेश वासुदेव, एस वी कृष्णमूर्ति राव, श्रीमती वायलेट अल्वा या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो आपके होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु को वी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, एम वी के द्वारा। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर, म्यूस्का डोमेस्टिका। क्या हो जाएगा, म्यूस्का डोमेस्टिका। 36 नंबर है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खान, तरुणा भट्टाचार्य या भजन सोपारी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, उस्ताद अमजद अली खान। 37 नंबर है, क्वार्टजाइट प्रकार का शैल होता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, रूपांतरित। कैसा होता है, ये रूपांतरित होता है। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इनकॉस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1962 में। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। क्या पूछा जा रहा है, नहीं, श्री अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर इज फोर्थ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। जबकि श्री अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल क्या थे, चरमपंथी के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोशिका, कोशिक द्रव्य, रिक्तियां या जीव द्रव्य। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, कोशिका। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं रहेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।